नमस्कार साथियों, मैं अरुण वीर सिंह, आप सभी का आपके अपने परिवार आईटीआई अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत हुआ अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी शानदार सी परीक्षा में शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं, उससे पहले आप सभी साथियों से मैं ये निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं और आईटीआई से संबंधित किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप को ऐसे ही न्यूज, नोटिफिकेशन और कंटेंट का अपडेट रहने के लिए आपको जरूरी है, क्योंकि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा चैनल होना चाहिए यूट्यूब पर जिससे कि आपको समय समय पर आईटीआई संबंधित वैकेंसी कहाँ से कितनी निकलती है और क्या उसका सिलेबस होता है, क्या उसकी जॉब प्रोफाइल होती है, कितनी सैलरी होती है और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपके लिए जानना जरूरी होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं गेल भर्ती 2024 में कितनी वैकेंसीज आई है। तो मैं बता दूं कि 139 सीट आई है। सबसे अच्छी बात है अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी किसी भी फॉर्म वगैरह में काम कर रहे हैं, कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में अगर आप काम कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। समझ रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आप देखो, सबसे पहले मैंने टाइटल लिखवाया है जॉब प्रोफाइल के बारे में। अगर आप किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए कि आप ईपीपीसीएल में हैं या फिर किसी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जो जहां पर वो जीएसटी वगैरह किसी भी फॉर्म में, मतलब किसी भी प्राइवेट संस्था में, अगर किसी कंपनी में अच्छे से संस्था पे काम कर रहे हैं और आप वहां से 2 साल आपका हो चुका है, तो भाई आपके लिए ही वैकेंसी रखी गई है ये, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगता है आपका, ठीक है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को नहीं भरे होंगे, लेकिन ये फॉर्म भर चुका है। मैं बता दूं कि ये फॉर्म भर चुका है और इसमें क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या सैलरी है, क्या सिलेबस है, इन तमाम बिंदुओं का हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप एक बार पहले चलता हूं कि कब कब इसका फॉर्म आया था। तो आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्म 8/8/2024 यानी 8 अगस्त को इसका फॉर्म आ गया था और 7 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। आप में से कई बच्चे इस चीज़ को अगर जिसने भी ध्यान से देखा होगा या भरा होगा तो भाई साहब उसको जानकारी होगी कि हाँ सर, ये फॉर्म हम लोग भर चुके हैं, ठीक है। तो 8 तारीख को इसका फॉर्म आया था, 8 अगस्त को, और लास्ट डेट थी उसकी आपकी 7 तारीख को, है ना, 7/9/2024 को लास्ट डेट थी। अच्छा, इसमें एज क्राइटेरिया क्या मांगा था, मिनिमम 18 साल और अगर मैं बात करूं आपसे तो मैक्सिमम 26 साल। अगर आप ओबीसी से होंगे अगर, तो आप मान चलिए प्लस 3 साल ऐड किए होंगे। आप एससी और एसटी से बिलोंग कर रहे होंगे तो प्लस 5 साल इसमें ऐड कर लीजिए। आपने फॉर्म जरूर भरा होगा अगर आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते होंगे, तो हर वैकेंसी में आपको इतना ही छूट दी जाती है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कितनी आपकी पेमेंट है, भाई साहब 24,500 से स्टार्टिंग है 90,000 तक, और 24,000 में अगर महंगाई भत्ता जोड़ दीजिए, इसका आधा अगर मैं बात करूं टीएडीए सब जोड़ लिया जाए तो 24 का आधा जोड़ेंगे 36 यानी 35,000 से 40,000 के बीच में आपको पेमेंट मिलने वाली है। 35,000 से 40,000 के बीच में आपको पेमेंट मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है गेल इंडिया लिमिटेड में। तो अब आगे आइए सर, अगर मैं बात करूं आगे तो क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन था, सबसे जरूरी ये जाना था, क्योंकि टेक्नीशियन पोस्ट पे था हमारा, इलेक्ट्रिकल का पोस्ट था। तो भाई साहब, अगर आप 10th पास थे और साथ ही साथ में अगर आपने आईटीआई किया है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो चाहे वायरमैन ट्रेड से हो, सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इसमें आप किसी भी ट्रेड से हो भाई, सबके लिए ये भर्ती आई हुई थी, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, साफ साफ यहाँ पर लिखा भी गया है ना। और मिनिमम 2 साल के पास आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, और किसी भी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में काम किए हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हों, कहीं भी किए हों और आपने के पास 10th क्वालिफाई हैं, 18 से 26 साल की एज में हैं, तो भाई साहब आप इस फॉर्म को जरूर भरे होंगे। और आपको बता दूं, क्योंकि फॉर्म भरने में बहादुरी नहीं होती है, फॉर्म भरने के साथ साथ आपको एक स्मार्ट वेब तरीका से भी तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। और इसमें सबसे बात बता दूं आपको कि 139 सीट आई थी, जिसमें से टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 44 पोस्ट थी, सबसे ज्यादा पोस्ट आपकी 44 सीट आपकी थी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की, ठीक है, टेक्नीशियन की। और आपको बता दूं कि क्लासेस डेली आपकी चल रही हैं, 9 बजे आप लाइव हमारे सेशन से जुड़ सकते हैं। अगर आप अभी तक कहीं भटक रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि सुबह 9 बजे वाली हमारी क्लास से जुड़िए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलने वाली है, ठीक है। मैं लगभग 12 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया हूँ, अब ये क्लासेस आपकी सुबह 9 बजे होगी। अभी तक हम शाम को 7 बजे पढ़ाते थे, लेकिन अब ये क्लासेस आपको सुबह 9 बजे से आपको सोमवार से देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करूँ आपसे तो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए, जो कि आप देख सकते हैं कि क्या इसमें आपका
सिलेबस रहने वाला है श्रीमान जी। तो रिटन टेस्ट आपको देना है, फिर उसके बाद टेस्ट टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो होगा। तो मैं बता दूंगा आपको कि इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 75 नंबर आपके टेक्निकल से होते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि टेक्निकल में मेरे पास मैंने पीडीएफ निकाला है इसका अलग से, क्योंकि आपके जो नोटिफिकेशन था उसमें सिलेबस नहीं दिया गया था, मैं अलग से निकाल के लाया था। तो इसमें 75 नंबर आपके टेक्निकल है, जिसमें से आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, बेसिक्स जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, वो है, टूल संबंधी चैप्टर से है, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन से है, इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे तो इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रांसफार्मर वगैरह से है, ये सारी चीज़ें आपके में सिलेबस में है, पावर सिस्टम आपके सिलेबस में है। इसके अलावा मैं बात करूँ श्रीमान जी तो आपकी वाइंडिंग भी है, वायरिंग भी है, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग भी है, बैटरी है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग ज्वाइनिंग है, और सेफ्टी गियर्स भी हैं, पीपीई किट वगैरह जो होता है आपका वो है। बस इतना आपका ओवरऑल मैं बात करूँ आपसे तो आपका ट्रांसफार्मर, जनरेटर, एसी डीसी, मोटर्स वगैरह भी आपको दिया गया है आपके सिलेबस में। तो अच्छा खासा सिलेबस है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, वही आपका सिलेबस भी दिया गया जो 75 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। 25 नंबर की मैं बात करूँ तो आपसे भाई जीके जीएस की क्लासेस आपकी सुबह 10 बजे पिंकी सरोवर में पढ़ा ही रही हैं, आपको पता ही पता है। साथ ही साथ में रीजनिंग क्लास रवि सर पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर की क्लास सुबह डेली चलती है 8 से 9 बजे, देखिए आपके सिलेबस में दिया गया है, और इंग्लिश की जल्दी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगा चैनल पर, और मैथमेटिक्स की क्लासेस NPCL राउत भाटा के क्लासेस के साथ साथ गेल के भी दोनों क्लासेस चले। तो NPCL राउत भाटा में तो नहीं पूछा जाएगा मैथ, लेकिन गेल में मैथ पूछा जाएगा, और जिसका क्लासेस शाम को 4 बजे तरुण सर आपको पढ़ा रहे हैं YouTube पे। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो एक बार चैनल को देख लीजिएगा, आपकी क्लासेस सारी आपको YouTube पे चल रही है। अगर मैं बात करूँ अब आगे तो सर जी ये तो आपका रहा सिलेबस की बात, अब मैं बात करूंगा मेन मुद्दा, क्योंकि क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है 11 तारीख से। अगर अभी तक आपने बैच को इनरोल नहीं किया तो भाई इनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये क्लासेस आपको जल्द ही मिलने वाले हैं एप्लीकेशन पे। तो भाई साहब एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आपको बता दूं अगर आप भी नए हो, खासकर नया बच्चा तो उसको पता नहीं होता कि सर कैसे इसको डाउनलोड करना है, तो आप गूगल पर जाना, सर्च करना AAA247 लिखना, या प्ले स्टोर से अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यहाँ जाने के बाद भैया आप पहुँचना होम पेज पर, और इस तरह से आपको कुछ भी समझ में आए तो इस तरह पर जाइएगा, आल कोर्स पर जाइएगा, आल कोर्स पर जाने के बाद एज एग्जाम होगा, एज एग्जाम के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी जाएगा, और फिर आपके बाद आईटीआई मिलेगा। और आपका ये देखिए निश्चय बैच के नाम से चल रहा है, निश्चय बैच के नाम से गेल इंडिया लिमिटेड चल रहा है। भाई साहब इस बैच को परचेज करने के लिए कूपन कोड लगा लीजिएगा, प्राइस देखकर डरिएगा मत, बस आपको बता रहा हूँ कि कूपन कोड लगाइएगा, कूपन कोड आपका रहेगा क्या Y835, अप्लाई कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, 919 रुपये में आपको मात्र ये बैच मिल रहा है, और 11 तारीख से ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली है अप्लीकेशन पे। तो मैंने सोचा कि भाई आपको भी बता दूं, कई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि कोई भी गेल और NPCL राउत भाटा का बहुत कम ही क्लासेस कोई आपको प्रॉपर YouTube पे पढ़ा रहा होगा, केवल हमारा ही चैनल ऐसा है जो आपकी सेवा के लिए उपस्थित है। तो मैंने सोचा कि भाई आपको क्यों ना जोड़ा जाए, और आपको पता है कि जब आप टेस्ट दे लेंगे उसके बाद आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट मतलब समझ रहे हैं, प्रैक्टिकली टेस्ट जो आपने प्रैक्टिकली आईटीआई में किया है वो सारी चीज़ें, या फिर आप जहाँ भी वर्क कर रहे हैं आपको पता ही होगा जिस भी संस्था में आप काम कर रहे होंगे तो उससे रिलेटिव ही चीज़ें आपसे पूछी जाती है, एक तरह से मैं कहूँ तो प्रैक्टिकल ही होता है। अगर मैं बात करूँ जॉब प्रोफाइल की बात, तो भाई साहब जॉब प्रोफाइल आपको पता है कि गेल इंडिया लिमिटेड में चूंकि आप टेक्नीशियन पोस्ट पर होंगे, तो आपको टेक्नीशियन पोस्ट पर अगर आप रहेंगे तो आपका काम क्या हो सकता है, यानी कि जो भी आपका रिपेयर और मेंटेनेंस का काम होगा, जो भी आपका वहाँ पर ऑपरेटिंग का काम होगा, यही सारी चीज़ें आपको गेल इंडिया लिमिटेड में भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप चूंकि आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा एक होता है आपका इंजीनियर, उसके बाद जूनियर इंजीनियर, उसके बाद हमारे टेक्नीशियन भाई साहब होते हैं। तो भाई आप टेक्नीशियन हो तो आपको पता है आपका अपना रोल क्या है, क्योंकि आप तो खुद आईटीआई करके ही आगे बढ़े, और जिस समय आप काम कर रहे हो जहाँ पर वही काम आपसे वहाँ पर भी पूछा जाता है, अरे वही काम आपको वहां पर किया जाता है। तो हमने कहा कि भाई आपको बता दूं कि गेल इंडिया लिमिटेड में क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या सैलरी है, क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ें मुझे मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये जानकारी लेकर, और बाकी अगर आपको क्लासेस से जुड़ना है तो जरूर जुड़िए, और सुबह 9 बजे हमारी क्लास से जुड़िए, क्योंकि वहां पर आपके लिए पार्टिकुलर हम प्रैक्टिस चला रहे हैं। तो बस यही आपको जानकारी देनी थी, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।